टीचर, इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? गोलू, बर्ड फ्लू हो गया था मैम। टीचर, पर ये तो पक्षियों को होता है, इंसानों को नहीं। गोलू, इंसान समझाई कहाँ आपने, रोज तो मुर्गा बना देती हो। दरोगा साहब, तुमने हवलदार की जेब में माचिस क्यों जलाई? पप्पू, सर हवलदार साहब ने कहा था अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो जेब गर्म करो। सर, मैंने माचिस जला दी। एक बार पति पत्नी घूमने जा रहे थे, रास्ते में गधा मिला, पत्नी को मजाक सूझी। पत्नी, आपके रिश्तेदार हैं, नमस्ते करो। पति भी कम नहीं था, बोला, ससुर जी नमस्ते। संता की बीवी, सुनिए जी, रात नींद में आप मुझे गालियां दे रहे थे। संता, ओ नहीं सोनिए, ये तुम्हारा वहम है। बीवी, क्या वहम है? कि मैं नींद में था। पत्नी, तुम मुझे दो ऐसी बातें बोलो जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊं और दूसरी को सुनकर नाराज हो जाऊं। पति, तुम मेरी जिंदगी हो और दूसरी बात लानत है ऐसी जिंदगी पर। माँ ने घबरा कर बेटे को फोन लगाया और कहा, बेटा जल्दी से घर आ जा, बहू को पैरालिसिस का अटैक आया है, उसका मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूमी हुई है। बेटा बोला, रहने दे माँ, तू घबरा मत, वो सेल्फी ले रही है। साइकिल वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दी और बोला, भाई साहब आप बहुत किस्मत वाले हो। आदमी गुस्से में, एक तो तूने मुझे टक्कर मारी और ऊपर से मुझे किस्मत वाला कह रहे हो। साइकिल वाला, देखिए भाई साहब आज मेरी छुट्टी है तो इसलिए साइकिल चला रहा हूँ, नहीं तो मैं ट्रक चलाता था। सरदार बिना पानी मिलाए दारू गटक रहा था। आदमी, क्या बात है पाजी, आपने पानी भी नहीं मिलाया। सरदार, मेरी सासू के हमदसी आदमी हैं, इतना पानी तो हमारे मुंह में दारू देख के ही आ जाता है। एक मच्छर परेशान बैठा था, दूसरे ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? पहला बोला, यार गजब हो रहा है, चूहेदानी में चूहा, साबुनदानी में साबुन, मगर साला मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। लाला जी ने रेस्टोरेंट में चीखते हुए कहा, मुझे एक हाफ चिकन तंदूरी दो और यहाँ बैठे बाकी लोगों को भी मटन खिलाओ, क्योंकि जब मैं खाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सब खाएं। खाना खाने के बाद लाला जी फिर चीखे, मुझे एक शैंपेन की बोतल दो और यहाँ बैठे बाकी लोगों को भी बियर पिलाओ, क्योंकि जब मैं पीता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सब पीकर टुन हो जाएं। सभी लाला जी से बहुत खुश हुए और उनकी तारीफ करने लगे। ड्रिंक्स के बाद लाला जी फिर चिल्लाए, मुझे मेरा बिल दो और यहाँ बैठे बाकी लोगों को भी उनका बिल दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं बिल चुकाऊं तो सब अपना अपना बिल चुकाएं। लाला जी का अंतिम संस्कार कल 10 बजे है। एक मच्छर परेशान बैठा था, दूसरे ने पूछा, भाई क्या हुआ तुझे? पहला बोला, यार गजब हो रहा है, चूहेदानी में चूहा, साबुनदानी में साबुन, मगर साला मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। लाला जी ने रेस्टोरेंट में चीखते हुए कहा, मुझे एक हाफ चिकन तंदूरी दो और यहाँ बैठे बाकी लोगों को भी मटन खिलाओ, क्योंकि जब मैं खाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सब खाएं। खाना खाने के बाद लाला जी फिर चीखे, मुझे एक शैंपेन की बोतल दो और यहाँ बैठे बाकी लोगों को भी बियर पिलाओ, क्योंकि जब मैं पीता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सब पीकर टुन हो जाएं। सभी लाला जी से बहुत खुश हुए और उनकी तारीफ करने लगे। ड्रिंक्स के बाद लाला जी फिर चिल्लाए, मुझे मेरा बिल दो और यहाँ बैठे बाकी लोगों को भी उनका बिल दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं बिल चुकाऊं तो सब अपना अपना बिल चुकाएं। लाला जी का अंतिम संस्कार कल 10 बजे है। एक चोर को कोर्ट में पेश किया गया, जज तुमने इसके पैसे क्यों चुराए? चोर, ये सरासर झूठ है, इसने मुझे खुद पैसे दिए हैं। जज, इसने तुम्हें पैसे कब दिए? चोर, जब मैंने बंदूक दिखाई। मैडम देसी आदमी के बच्चे से पूछती है, स्कूल किसे कहते हैं? देसी बच्चा, ऐसी जगह जहां मेरे पापा को लूटा जाता है और मुझे कुटा जाता है। एक बार भारत में एक एरोप्लेन खराब हो गया,
मौसम के चलते कुत्ते खाने लगे। विमान के पायलट जो कि देसी पहलवान है ने अपना सारा अनुभव और कौशल लगा के पहाड़ों के बीच से बचते बचाते अड्डे तिरछे कट मार के विमान को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आए। देसी पहलवान का स्वागत किया गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और अनुभव अपने कहाँ से लिया। कसम से आँखों में खुशी के आंसू आ गई जब पहलवान देसी पायलट बोला, मैंने अपने जीवन में टेम्पो बहुत चलाया, ये तो छोटा भाई गेहूं में पानी लगा रहा था इसलिए मैंने एयरप्लेन उड़ा दिया। ज्ञान नंबर वन, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं हम हैं, और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो बुरा वही है क्योंकि हम तो अच्छे हैं ना। ज्ञान नंबर दो, जिंदगी से कोई चीज़ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे तुम्हारे बाप की थी, और नहीं मिले तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। अगर आपको कोई देखकर दरवाज़ा बंद कर देता है तो याद रखो कुंडी दोनों तरफ से होती है, आप बाहर से बंद करके भाग जाओ। ज्ञान समाप्त। थारा किते बाहर घूमने का मन हो और रुपया की कमी हो तो गूगल मैप पर घूम लिया करो। मैं खुद फिलहाल पेरिस में बैठा ओक्का पीने लग रहा हूँ। एक जादूगर ने जादू ते एक काली सी छोरी के पंख ला दिए। छोरी रिफड़के बोली, मैं तो परी बन गई। एक छोरा खड़ा सब देखने लग रहा था, बोलिया, परी को ना बनी कालो, तू तो चमगादड़ बन गई। मैं रोड से जा रहा था तभी देखा एक बुजुर्ग आदमी रोड के किनारे बैठे थे। मैंने कहा, दादा ये कहाँ बैठे हो, और मैं उन्हें उठाने लगा। तभी बुजुर्ग आदमी बोला, मुत्तन दे बेटी चो दे। एक बच्चा पार्क में बेंच पे बैठा था और एक के बाद एक चॉकलेट खा रहा था। पास बैठी एक आंटी बोली, ज्यादा मीठा खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। बच्चा, आपको मालूम है मेरी दादी की उम्र 106 साल थी जब वो मरी थी। आंटी, वो मीठा कम खाती होगी। बच्चा, नहीं, वो अपने काम से काम रखती थी। भिखारी, कुछ दे दो साहब, भगवान आपका भला करेगा। शर्मा जी, ये लो बाबा। भिखारी, क्या साहब सिर्फ 1 रुपया, पहले तो आप 10-20 रुपए यूं ही दे देते थे। शर्मा जी, अरे बाबा पहले मैं कुंवारा था, अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, खर्चा बढ़ गया है बाबा। भिखारी, क्या साहब आपको शर्म नहीं आती, मेरे पैसे से बीवी बच्चे पाल रहे हो। हरियाणा की ताई केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीत गई। अमिताभ, माताजी आप सबसे पहले इन पैसों का क्या करोगी। ताई बोली, सब ते पहले 100 का खुलवा के 10-10 रुपए छोरियां दूंगी। छोरा तू मिर्च खाया कर के। छोरी, ना छोरा खाया कर फिर। छोरी, क्यों छोरा, घनी मीठी है तू, कीड़ी ठा ले जाएंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था। भारत की बैटिंग थी, बैट्समैन हरियाणवी था, उसके 33 रन हो गए। उसने ग्लव्स उतारे, हेलमेट उतारे और बैट को ऊपर उठाकर सिर को आसमान की तरफ कर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। इंग्लैंड का बॉलर चिल्लाया, यू डिड नॉट मेड 50 और सेंचुरी, यू आर वेस्टिंग टाइम। हरियाणवी बोला, अरे जय तना हरियाणवी बोर्ड ते 10वीं करी होती फिर पता चलता 33 क्यूकर जुड़िया करे। एक बार यमराज धरती पर आ गया और दारू पीने लग गया, वो पूरी पेटी पी गया। तो वेटर ने पूछी, रे तेरे चढ़ती कोनी के। यमराज बोलिया, ना मेरे ना चढ़ती, मैं भगवान सू। वेटर बोलिया, इब का चढ़गी साले के। जाटनी, प्लीज मेरे जन्मदिन पर मुझे आप ब्लैकबेरी या एप्पल दिवाइये। हरियाणवी जाटपति, काकड़ी खा, सीजन ई कोई चाल रहो है। दिल्ली वाली बोली, हम भी बहुत स्ट्रोंग है, मखरान दे निकड़ू दूध का गिलास में तो दस्त लाग जाए थरे। कोई भी हरियाणा से बाहर का डॉक्टर हरियाणा में आकर डॉक्टर की दुकान नहीं खोल सकता क्योंकि हरियाणा के मरीज की बीमारी हरियाणा के डॉक्टर के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। जैसे भितरले में धुमासा उठे से, आँखियाँ में तो जड़सी लकड़े हैं, गात में उचाटी सी लाग रही से, जी कुड़मुड़ावे है, पेट में दुकड़ दुकड़ हो रही से, आज उठे पड़ रहे से, हरकत हो रही से,
कालजा लकड़ लकड़ बार आवे, कन्ना में चिड़िया सी बोले से, कड़ में त्रेड़ सी पाटा से, गंगेला सा उठ रहा सिर में, हाथ पाया में जान सी ना रह रही, सारी रात उल्टा सीधा दिखा गया। ऐसी ऐसी बीमारी सुनकर अच्छे अच्छे MBBS को अपनी डिग्री पर शक हो जाता है कि साला कहीं ये चैप्टर छूट तो नहीं गया। एक बार एक फौजी घर छुट्टी आया और उसने घर आके एक भैंस खरीद ली। फौजी जब भी भैंस को खोलता हर बार उसके हाथ से छुटकर भाग जाती। एक दिन फौजी ने भैंस को बहुत मारा। फौजी के बहू बोली, इतना मत मारो नहीं तो ये दूध नहीं देगी। फौजी बोला, साला मुझे दूध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। सुरजा फौज में था, साल भर पाछे छुट्टी आया। सांझ ने उसकी बहू राम प्यारी पूजन लागी, आज कौन सा साग बनाऊं। सुरजा बोलिया, आलू एंड गोभी रांध ले। अरे इतना कह के बाहर गांव में घूमन निकल गया। राम प्यारी सोच में पड़ गई कि घर आलू भी है गोभी भी है पर यो एंड क्यों होया करे। राम प्यारी अपनी पड़ोसन द्वारा बुझन गई। पड़ोसन ने भी कोनी बेरा था कि यो एंड क्यों हो से। उसने सोची एक ना बताई तो राम प्यारी आके बेइज्जती हो जाएगी। पड़ोसन बोली, एंड तो गोबर हो से। बस फिर के था, राम प्यारी ने घर आके गोबर का छोक ला के साग बना दिया। रोटी खाते टाइम सुरजा बोलिया, आज तो सब्जी चरचरी बन रही है। राम प्यारी बोली, एंड की मैं घना पड़ गया होगा। दो आदमियों की बीवियां मेले में खो गई, जिसमें से एक हरियाणा से था और एक दिल्ली से। दोनों अपनी अपनी बीवी ढूंढते हुए आपस में मिले। हरियाणा वाले ने दिल्ली वाले से पूछा, तुम्हारी वाली की क्या पहचान है। दिल्ली वाला बोला, 5 फीट 7 इंच हाइट, गोरी भूरी आंखें और पतली है, स्लीवलेस पिंक टी शर्ट और लाल मिनी स्कर्ट पहने हैं, और तुम्हारी की क्या पहचान है। हरियाणा वाला, मेरी वाली का मार गोली, चल तेरी ढूंढांगे। एक दिन पड़ोस का हरियाणवी छोरा आके बोलिया, अरे चाचा अपनी स्त्री दे दे। चाचा ने अपनी जनानी की ओर इशारा करा और बोलिया, ले जा। वह बैठी, छोरा चुपचाप देखने लग गया और बोलिया, चाचा यो नहीं कपड़े वाली। चाचा बोला, भले मानस यो तने बगैर कपड़े की दिख है के। छोरा गुस्से में जगा रहा, चाचा बावड़ा ना बन, करंट वाली स्त्री दे दे। चाचा, बावड़े हाथ तो लगा के देख, जब करंट ना मारे तो फिर कहिए। हरियाणा का एक ताऊ ने ज्यादा शराब पी ली और लड़खड़ाता हुआ घर जाने लग्या। रस्ते में नाला पड़ा था, जिसे ताऊ पार करने लग गया तो उसकी जेब से 10 रुपये का सिक्का निकल कर नाले में गिर गया। ताऊ नाले के पास बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लग गया, या अल्लाह मदद करो, या अल्लाह मेरी मदद करो। तभी पीछे से एक आदमी आया और बोला, क्या हुआ ताऊ। ताऊ, नाले में 10 रुपये गिर गए इसलिए मदद मांग रहा हूँ। आदमी, तू क्या मुसलमान है, तू तो जाट है, फिर अल्लाह अल्लाह क्यों पुकार रहा है। ताऊ, रे बावली बूच, तू के चावे है, 10 रुपये के लिए हनुमान जी ने नाले में कुदा दूं। दिल्ली के एक आदमी ने हरियाणा में एक प्लॉट ले लिया। 2 साल बाद वो अपना खाली प्लाट देखने गया। उस स्थान पर एक कोठी बना रखी थी, वहाँ एक ताऊ बैठा कुर्सी गाले। वो आदमी बोलिया, ताऊ यहाँ तो मेरा प्लाट था। ताऊ, हाँ तो होगा भाई, कोठी का नीचा आ गया होगा, काट ले। ताऊ, रे पप्पू, इस सोनिया गांधी ने नसबंदी का ऑपरेशन तो करवा लिया होगा। पप्पू, के बात ताऊ। ताऊ, कदे या ऐसा ऐसा पप्पू एक दौर ना जाम दे। रकाल एक आदमी गल कहाँ सुनी होगी, तो वो न्यू बोलिया कि तेरा गोली मार दूंगा देख लिए। मखा, मार देगा भाई, देखना के है, थारा के बटे उम्र है। हरियाणवी छोरा इंटरव्यू देने गया बॉस। हाँ तो एक बात का जवाब दे छोरा। पूछ लो बॉस, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसे देखकर हम तुम्हें नौकरी पर रख लें। छोरा, जेब में कट्ठा रखा है, दिखाऊं क्या। एक लड़का रोज एक लड़की को घूरता था। लड़की थानेदार से, ये लड़का रोज मुझे तंग करता है। थानेदार, क्यों बे, आज डंडे से तेरी हड्डी तोड़ूंगा। लड़की, पिटाई के बाद अब आया मजा, अब छेड़ोगे। लड़का, मैडम पेपर में फेल हो जाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दो। जब हरियाणवी ताऊ के पास से गुजरी ताई, हरियाणा का एक ताऊ कार धो रहा था। तभी पास से एक पड़ोस की महिला, वहाँ से गुजरी महिला, कार धो रही हो क्या ताऊ। ना तो, पानी पिला रहा हूँ, इसे क्या पता खा पी के बस बन जा। एक छोरी गाना गावे थी, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक मुझे प्यार करो। पाछा ताऊ बोलिया, देख लिए छोरी कदे फिर दृढ़ ठुआन दिया। छोरी,
मैं तेरे दोस्त नहीं बन सकती, मारे घर के छो मावे हैं। छोरा मारे घर क्या ना तजनो आसके का डिप्लोमा करवा रखा है। एक छोरा अपनी गर्लफ्रेंड गैल होटल में खाना खान चलिया गया। छोरा मैंने तेरे तक बात करनी है। छोरी हाँ बोल। छोरा बुरा ना मानिए। छोरी बता के बात से को नहीं मानू बुरा। छोरा मेरी एक गर्लफ्रेंड से। छोरी साले तन तो मैं डरा दी, मैंने सोची तू रुपये ना ले रहा। टीचर उसने कपड़े धोए और उसे कपड़े धोने पड़े, इन दोनों वाक्यों में अंतर बताओ। बोलू सर पहले वाक्य से व्यक्ति के अविवाहित होने का पता चलता है, जबकि दूसरे वाक्य से उसके अविवाहित होने का पता चलता है। हरियाणवी लड़का शहर में पढ़ने गया। लड़की तुम्हारा निकनेम क्या है? लड़का ये क्या होता है? लड़की अरे तुमको घर सब किस नाम से बुलाते हैं? लड़का कंजर। लड़की बेहोश।